आईबी इंडिया न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर गोंडा से, जहां रात लगभग 9 बजे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने की घटना घटित हुई थी। उस उक्त घटना में विष्णु गोस्वामी पुत्र रामगीर गोस्वामी निवासी मुगल जो थाना कोतवाली देहात अपने पिता को मारपीट रहा था। मारपीट के दौरान अभियुक्त इमरान तुफैल व अन्य द्वारा उसे मारने पीटने से रोकने जाने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों में तत्कालिक विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें इमरान व अभियुक्तों ने मिलकर पास खड़े ट्रैक्टर से पेट्रोल निकालकर विष्णु गोस्वामी के ऊपर फेंक कर जलाने का प्रयास किया, जिससे वो झुलस गया। बीती रात दिनांक 14/5/19 को कोतवाली देहात क्षेत्र में विष्णु कुमार गोस्वामी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। उस प्रयास में काफ़ी झुलस गया था व्यक्ति। बेहतर इलाज के लिए उसको जनपद लखनऊ रवाना किया गया था। उसकी हालत इस समय स्थिर है। इस मामले की अपराध जो है पंजीकरण हुआ। अपराध पंजीकरण के बाद 4 नामित अभियुक्त मुख्य रूप से इमरान तुफैल मास्टर उर्फ रमजान और निजामुद्दीन, इन चारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में 4 टीमें गठित की गई थी। टीमों ने अपना बेहतर प्रयास करते हुए रात में ही इनको गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मौके पर सारी स्थिति अब सामान्य है। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी कंडीशन के बारे में भी, जो पीड़ित है उसकी कंडीशन के बारे में भी पता किया गया है। वो उसकी हालत स्थिर है, ठीक है, बोल रहा है, अपनी बातें कर रहा है। अन्य चीज़ों पर हम लोग सतर्क दृष्टि भी रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य।